से मैं मोहम्मद आसिफ हम लोग मौजूद है खिदीरपुर के मयूरभंज इलाके में। आज मयूरभंज यंग सोसाइटी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। आप देख सकते हैं उनके सारे मेम्बरान आज मौजूद है, आप देख सकते हैं, और आज इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तकरीबन 200 लोगों ने अब तक ब्लड डोनेट किया है और तकरीबन 100 लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ के जो पेशेंट है जिया भाई, इनसे हम लोग बात करके जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम आप लोग किए हैं, इस ताल्लुक से आप बताएं। देखिए, ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं है, ये हमारा 5वां साल है, हम लोग का 5th ये है, जिसमें हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप, गरीबों को कपड़ा बांटना, बच्चों को बुक्स वगैरह स्नेरिज का सामान जो वो बांटते हैं हम लोग, है आई चेकअप कैंप कराते हैं, चश्मा देते हैं, जिसके आँख का ऑपरेशन अदा है उसको आँख का ऑपरेशन करवाते हैं हम लोग, और साथ ही साथ समाजी जितने भी काम होते हैं हमारे नेत्री ममता मैजी के नेतृत्व में, हमारे MLA मोबीज हकीम के नेतृत्व में, और हमारे लोकल जितने यूथ लीडर जो सब में मिल के हम लोग कोशिश करते हैं, कांधे भी कांधा मिला के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के एक पैगाम समाज को दे अच्छे प्रोग्राम का। और साथ ही साथ हम लोग गुजारिश करेंगे कि जितने भी समाज में लोग हैं इस तरह का प्रोग्राम करें, क्योंकि खून देके किसी का कमजोरी आ रही है होता नहीं है, जिससे तरह खून देंगे, खून देने से बदन में नया खून का भी होता है, और साथ ही साथ ये जो खून है ये जब जाता है किसी के बदन में, ना ये दिखता है हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, ये एक समाज का इंसानियत का पैगाम पहुँचाता है। इसलिए हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ के हमारे कॉमेडी के, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी SM यूसुफ साहब, रियानुल हक साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद जमील, मोहम्मद रफीक, कल्चर सेक्रेटरी एजारुल हक साहब, मोहम्मद वसीम सादिक जिया, वसीम जिया, शाकिर जिया, अच्छा, और जितने मैं है साजिद हुसैन, जितने भी हमारे कॉमेडी के मेम्बर अहदेदार है और हमारे लोकल एरिए हैं, यहाँ के माएँ बहनें औरतें और जितने भी लोकल लोग हैं, इन सबों से मिल के आज हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है, कि हमारा खुद का और किसी का औकात नहीं है कि इतना बड़ा प्रोग्राम को करे। आज जिस तरह से हमारे पूरे कॉमेडी, हमारी टीम, हमारे लोकल के ये हमारे यूथ के लीडर्स सब मिल के हम लोग 10 दिन से डे नाइट जो मतलब मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आज उसका फल हम लोगों को मिला है। और इंशाल्लाह हमारे जो दोस्त मीडिया गए, पुलिस वाले हैं, जितने भी लोग सबका साथ मिलकर बड़ा प्रोग्राम को हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, और आज अच्छे तरह से खत्म हुआ प्रोग्राम हुआ है। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे इससे अच्छा प्रोग्राम हम लोग करें आप लोग का मदद से। तकरीबन आज कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? आज तकरीबन हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एरिया में 2-3 ब्लड डोनेशन ऑलरेडी हो चुका था, तो हम लोग से गर्मी का मौसम में शायद इतने लोग होंगे नहीं, तो हम लोगों ने 100 लोगों का इंतजाम किया था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि 200-300 लोगों की लाइन लग जाएगी। 100 डोनर हमारे आधा से 1 घंटे के अंदर में रजिस्ट्रेशन होके हो चुका है, हमारे आँख का चेकअप का 100 से क्रॉस हो चुका है, 100 लोगों को हम लोगों ने बच्चों का किताब वगैरह सब दे दिए हैं, साड़ी दे दिए हैं, तो आने वाला टाइम चाहूँगा इससे बढ़ के तादाद से हम करें इसको। आज आपके ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाएं काफ़ी तादाद में ब्लड डोनेट किए, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? जी, ये हमारे अल्लाह का करम है, हमारे सब लोगों का आशीर्वाद, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद है, दोस्तों का सबका साथ है, हमारे नेत्री का ये पैगाम है कि आज औरतें जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं समाज में, अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है कि हमारे सोसाइटी के लिए, इसके लिए आज ये बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम है हमारे नेत्री लेडीज से, तो आज महिला बहुत अच्छे से आगे बढ़ के आ रही है समाज के काम करने के लिए, और आने वाले टाइम में चाहिए और बढ़ चढ़ के काम करे। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, खासतौर से जो यंग है जो ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं, कतराते हैं, ऐसे लोगों को आपका क्या पैगाम? देखिए, ब्लड डोनेट करने से किसी का कमज़ोरी या कुछ होता नहीं, जो लोग जहन में ये है कि बस कमज़ोरी आएगा ये आएगा, ब्लड जितने लोग देंगे वो नया ब्लड उनके बॉडी में फ्रेश बन के आएगा, और ब्लड नहीं देने से क्या होता है, जो ब्लड है वो मोटा होता है, जिस वजह से हार्ट का प्रॉब्लम बहुत सारा ये होता है, इसलिए ब्लड देने से वो फ्रेश होता रहेगा और नया ब्लड आता रहेगा, ताकि किसी किस्म के बॉडी में बीमारी ना हो। तो मैं अपने यंग जनरेशन को, सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि वो आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा ले, ब्लड दे अपना और अपना सेहत का ध्यान रखे। दादा, आप आज आपने जो ब्लड डोनेट किया है, आज हम लोगों ने देखा कुछ पंखा जो डोनर से उन लोगों को मिला, इस ताल्लुक से आप बताएं। देखिए, एक किसी का ब्लड का दाम हम लोग लगा सकते नहीं हैं, अगर कोई किसी ब्लड का इंसान का दाम लगाए वो बहुत गलत बात होगा। ये हमारे तरफ से, हमारे कॉमेडी की तरफ से एक तोहफा है डोनर को, जो उनका हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उनको एक पंखा दिया है, क्योंकि एक पंखा एक खून के बराबर कर सकते नहीं है। ये छोटा सा पैगाम और छोटा सा हम लोग की तरफ से एक तोहफा है डोनर को, जो हम लोग उनके शुक्रिया अदा किए हैं पंखा दे के। आप अपना तारुफ बता दें। मेरा नाम सादिक जिया है, मैं रमानी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और तृणमूल कांग्रेस का माइनॉरिटी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हूँ।
आप लोग का जो अदारा है, अदारे की जानिब से आने वाले वक्त में और आप लोग क्या क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं? देखिए, हमारा अदारा पहले भी हमें हमेशा सोशल काम में जुड़ा रहा, सिर्फ ये काम नहीं, हम लोग यहाँ ICDS के क्लब क्लास चलता है, मैं लड़कियों का क्लास चलता है, मतलब सिलाई मशीन होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे क्लब से हमेशा होता रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज कोशिश करूँगा कि हमारे सब लोग आप सबको साथ रहे तो और अच्छे से अच्छा काम करें हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इत्मान से बात करने। अगर आप एतमाद न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।